की इस गठबंधन में महा जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन था सबसे मुखर कोई था इसके खिलाफ तो आप ही थे, आपने तमाम मुद्दे उठाए, निकाय चुनावों में एनसीपी बीजेपी से सपोर्ट ले रही है, शिवसेना को लेकर भी तमाम मुद्दे आपने उठाए, क्या लग रहा है कि गड़बड़ी किन किन की तरफ से रही, एनसीपी को लेकर भी आपने बात कही थी? देखो हमारा एकदम स्पष्ट था कि जिस समय में अंधेरे की सरकार जब गिरी और शिवसेना और बीजेपी का आपस में जो लड़ाई हुई और उसके बाद हमारे नेता सोनिया जी से उद्धव जी हो या शरद पवार जी हो जब मिले तो एक कॉमन मिनिमम सरकार बनाकर एक महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाकर उसको सपोर्ट देने का निर्णय सोनिया जी ने लिया और सरकार जनता के लिए काम करे ये सोच थी। रहा एनसीपी का सवाल था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर थे जिसके बारे में शिवसेना का भी एमएलए ने इस बात का मुद्दा उठाया कि अजित पवार हमें बहुत तकलीफ देते थे, वही बात हमारे भी सामने आती थी और हमारे मंत्री जो थे मंत्री के डिपार्टमेंट में पैसे नहीं देना, उनको तकलीफ देना, इसी तरह का काम होता था और उसके बारे में हम स्पष्ट कहते थे कि ये ऐसा नहीं चलेगा, आखिरी राज्य की जनता के लिए ये सरकार बनाई है, कोई ग्रुप के लिए नहीं बनी है और उसका विरोध हम करते थे और मुझे लगता है कि ये विरोध स्वाभाविक है, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, आखिरी सरकारें जनता की होती है ये कांग्रेस समझती है और ये लड़ाई कांग्रेस हमेशा लड़ते आ रही है, तो इसलिए हमारा आपस में मतभेद नहीं था, हमारा मतभेद ये था विकास के लिए था। अच्छा आप भी सर नेतृत्व पर, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर आपको भी कोई शंका थी क्या?